आज का टॉपिक है, आज का क्लास में आपको सीखने मिलेगा क्रेच रूल के ऊपर। ठीक है, क्रेच रूल कब बनाया गया था, क्रेच कितने प्रकार का होते हैं, कितने वोमेन काम करने से कौन सा टाइप का क्रेच रूल बनाया जाएगा, आज उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो देर ना करते हुए आइए हम क्रेच रूल का भी डिस्कस करेंगे। क्रेच रूल, क्रेच रूल 1966। ठीक है, पहले जानते हैं जो क्रेच रूल 1966 ये कब बनाया गया था। ठीक है, ये बनाया गया था 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1966, 1 अप्रैल 1966 में इसको बनाया गया था, किसको, क्रेच रूल को। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं क्रेच, क्रेच किससे कहा जाता है, किसको कहा जाता है। ठीक है, ये जो क्रेच है, ये क्रेच किसको कहा जाता है। कोई भी माइंस में जहां पर ओमेन नियुक्त होते हैं, काम करते हैं, उनका बच्चा जब 6 ईयर से कम होते हैं, उनका जिस घर में रखा जाता है उस घर को क्रेच रूम कहा जाता है, यानी क्रेच कहा जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कोई भी जो माइंस में, ठीक है, कोई भी जो माइंस में कौन ओमेन पर्सन जब एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, ओमेन पर्सन जितने भी वर्क करते हैं, वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, उनका जो 6 ईयर से कम वर्ष का जो चाइल्ड होते हैं, ठीक है, जो चाइल्ड होते हैं, ठीक है, वो चाइल्ड को जिस घर में रखा जाएगा, ठीक है, जिस घर में रखा जाता है उसी को क्रेच रूम कहा जाता है। ठीक है, क्रेच रूम कहा जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो क्रेच रूम रहता है ना, उसको कौन बनाता है, कौन परमिशन देता है, और क्या क्या पॉइंट्स आता है, उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एवरी माइंस में, ठीक है, प्रत्येक माइंस में ऑनर, एजेंट और मैनेजर और क्या करेंगे, क्रेच रूम का व्यवस्था करेंगे। ठीक है, क्रेच रूम का व्यवस्था करेंगे। तीसरा पॉइंट बता रहा है, अगर कोई, ये एक माइंड से, ठीक है, ये एक माइंड से, इसका माइंड में, ये माइंड के नजदीक में और कुछ माइंड रहता है, ठीक है, उनका नास्तिक में अगर जितने सब माइंस रहता है, ये बोलेंगे कि हम सब का भी मिलके एक ही क्रेच रूम रहेगा या बनेगा, एक ही क्रेच रूम को हम यूज करेंगे, तब उस क्षेत्र में बोल रहा है इसका परमिशन जो है, परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। किससे परमिशन लिया जाएगा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना होगा, तब जाके यहाँ पे आप कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं। अगर कोई माइंस, कोई माइंस, ये अगर कोई माइंस, ये 4 नंबर पॉइंट है, कोई भी अगर माइंस 3 इयर्स के भीतर, 3 इयर्स के भीतर अगर क्लोज होने वाला है, यानी बंद होने वाला है, तब उस क्षेत्र में वहां पर जो है वो माइंस में क्या रहेगा, परमानेंट स्ट्रक्चर, यानी परमानेंट क्रेच रूम नहीं बनाया जाएगा, वहां पे टेम्पररी की तरह से वहां पे बनाया जाएगा। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं जो क्रेच का स्टैंडर्ड के बारे में, अभी डिस्कस करते हैं क्रेच का स्टैंडर्ड को। डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं क्रेच कितने प्रकार का होता है। ठीक है, क्रेच जो है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्रेच, इसको मान लीजिए क्रेच रूम, ठीक है, क्रेच रूम या क्रेच कितने प्रकार का होता है, 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, 4 टाइप्स का होता है, क्या क्या होता है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप एंड डी टाइप का होता है। ठीक है, ये जो ए बी सी डी जो हम बोल रहे हैं, पहले हमको पता करना है ए टाइप किसको कहा जाता है। ठीक है, ए टाइप जो क्रेज रूम होता है ना, उसको पहले डिस्कस करते हैं। ए टाइप
किसको कहा जाएगा? ए टाइप, जहां पर 30 से कम ओमेन काम करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट बोल रहा है कि जहां पर 30 से कम ओमेन काम करते हैं, ठीक है, वहां पे आपका ए टाइप क्रेचनो बनाया जाएगा। ठीक है, सेकंड बोल रहा है कि जो ए टाइप का क्रेचरूम होता है ना, वो मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए? ए टाइप का मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए? एरिया मतलब जिसके ऊपर घर बनाया जाएगा, क्रेचरूम बनाया जाएगा। ए टाइप का जो रूम बनाया जाता है, कितना स्क्वायर फुट के ऊपर बनाया जाएगा? आंसर क्या है? 27.5 स्क्वायर मीटर के ऊपर बनाया जाएगा। ठीक है, स्क्वायर मीटर इसको समझिएगा। उसके बाद आते हैं बी टाइप। पहले ए टाइप समझ गए, अभी आते हैं बी टाइप। ठीक है, बी टाइप क्रेच रूम। ठीक है, इसमें बोल रहा है जहां पर 31 से लेकर के 100 वोमेन काम करते हैं। 31 से लेकर के 100 ओमेन जहां पर काम करते हैं ना, वहां पे बी टाइप का क्रेचरूम बनाया जाएगा। ये इसका जो मिनिमम एरिया रहता है, कितने एरिया के ऊपर इसका रूम को बनाया जाएगा? बोल रहा है 90.0 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सी टाइप का क्रेच रूम। ठीक है, सी टाइप का क्रेच रूम में बोल रहा है, इसमें जहां पर 101 से लेकर के 200 तक ओमेन नियुक्त होते हैं या काम करते हैं, तब उस क्षेत्र में सी टाइप का क्रेच रूम बनाया जाएगा। ठीक है, इसका जो मिनिमम एरिया में बनाया जाएगा इसका रूम को, ये बोल रहा है 140.0 स्क्वायर मीटर के ऊपर इसका बनाया जाएगा, क्रिच रूम को बनाया जाएगा। ओके, अभी आते हैं डी डी टाइप का। ठीक है, डी टाइप का आपका क्रिच रूम। ठीक है, डी टाइप का क्रेच रूम में बोल रहा है जहां पर 200 से अधिक, ठीक है, 200 से अधिक ओमेन जहां पर काम करेंगे या नियुक्त होंगे, वहां पर आपका डी टाइप का क्रेच रूम बनाया जाएगा। सेकेंड में बोल रहा है उसका कितना एरिया जो होता है, कितना एरिया के ऊपर उसका बनाया जाएगा? मिनिमम एरिया उसका होगा 325.0 स्क्वायर मीटर के ऊपर बनाया जाएगा क्रेच रूम को। ठीक है, ये हम जो डिस्कस कर रहे थे, जो कि क्रेच रूम कितने ओमेन नियुक्त होने से कौन सा टाइप का रहेगा, कितने एरिया के ऊपर उसको बनाया जाएगा, उसी के ऊपर अभी हम डिस्कस किए। अभी जो उसका स्टैंडर्ड होता है ना, जो स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को अभी डिस्कस होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड जो होता है किसका? स्टैंडर्ड ऑफ क्रेज। ठीक है, इसमें बोल रहा है जैसे कि आपको हम पहले से बताएं, जो क्रेज होता है ना, क्रेज होता है 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, जो ए बी सी डी हमने आपको डिस्कस किया। ठीक है, ये जो क्रेज होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। ये जितने सब क्रेज होते हैं ना, वो शेड्यूल किसके अंदर आता है? शेड्यूल 1 के अंतर्गत में ये आता है। ठीक है, जो क्रेच रूम रहता है ना, वो जो क्रेच रूम, ये मान लीजिए क्रेच रूम है। ठीक है, ये क्रेच रूम है, ये क्रेच रूम को बोल रहा है, इसका जो फ्लोर का है ना, ये जो फ्लोर जो एरिया रहेगा, इस फ्लोर का एरिया को ये बोल रहा है, फ्लोर से आपका रूप जो छत का जो हाइट है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है?
पर मीटर, पर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये जो घर बनाया जाएगा ना, ये बोल तीसरा पॉइंट है कि पर मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्लोर से लेकर के छत का हाइट को डिस्टेंस हो, पर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। चौथा बोल रहा है ये जो मतलब जो गेस्ट रूम को किसमें बनाया जाएगा, सीमेंट, ब्रिक एंड सैंड, जैसे कि सीमेंट, बालू और ईंट के माध्यम से इस घर को बनाया जाएगा। और बोल रहा है ये जो फ्लोर से, ये फ्लोर किसमें बनाया जाएगा, सीमेंट और पत्थर से इसको बनाया जाएगा, ठीक है। सीमेंट और पत्थर के ऊपर इसको बनाया जाएगा जो फ्लोर रहेगा, ठीक है। सिक्स नंबर पॉइंट बोल रहा है जो क्रेच रूम का इंटीरियर वॉल होता है ना, ये जो भीतर का एरिया जो रूम होता है, इसमें भीतर का जो वॉल रहता है, इसको बोल रहा है 6 मंथ में, 6 मंथ के भीतर उसको कलर करना चाहिए, उसका पुताई करना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ के भीतर एक बार उसको कलर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि उसमें जो वुड्स का इक्विपमेंट रहता है, जो लकड़ी का सामान रहता है, जैसे कि विंडो हो गया, डोर हो गया, और जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, जो भी इक्विपमेंट्स वहाँ पे रहता है जो लकड़ी का, उसमें बोल रहा है 3 वर्ष के भीतर, 3 ईयर में एक बार उसको कलर किया जाएगा, किसको, जो वुड्स का मटेरियल होता है, जो लकड़ी का इक्विपमेंट्स होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ऑफ क्रेच के ऊपर में ये पॉइंट्स आता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन ऑफ लैटरिन, ठीक है। प्रोविजन ऑफ लैटरिन, ठीक है, प्रोविजन ऑफ लैटरिन, ये बोल रहा है प्रत्येक क्रेच रूम में लैट्रिन का व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक क्रेच रूम में जो है ना लैट्रिन का व्यवस्था किया जाएगा, ए बी सी डी टाइप का होता था, सब में लैट्रिन का व्यवस्था किया जाएगा। सेकंड पॉइंट बोल रहा है ए बी और सी में वन ही लैट्रिन रहेगा, जैसे कि ए में एक रहेगा, बी में एक रहेगा, सी में भी एक ही रहेगा, ठीक है, सब में एक एक रहेगा। लेकिन डी टाइप में बोल रहा है, डी टाइप में जो है टू लैट्रिन रहेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट बोल रहा है जितने भी चाइल्ड रहते हैं, जितने भी बच्चा रहते हैं, उनमें से कोई वन चाइल्ड, वन वन चाइल्ड क्या होता है, वो किसी किसी डिजीज में सफर कर रहा है, ठीक है, उसका स्टूल का कुछ प्रॉब्लम है, उस स्टूल का डिजीज हुआ, कोई भी डिजीज जब ये कर रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको सेपारेट सेपारेट कॉम्बोर्ड का व्यवस्था किया जाएगा, उसको सेपारेट एक दिया जाएगा उसको लैट्रिन करने के लिए, क्योंकि उसके चलते कहीं दूसरा बच्चे को ना उसका इन्फेक्शन हो, ना ही उसका कोई वो सफर करे, ठीक है। फाइव, फाइव पॉइंट बोल रहा है जितने भी चाइल्ड होते हैं ना, वो चाइल्ड का जैसे कि उनको उनका ड्रेस कपड़ा वॉशिंग करने के लिए, साफ करने के लिए, उनको मतलब नहाने के लिए, ठीक है, उनको प्रचुर पर्याप्त मात्रा में पानी का व्यवस्था किया जाएगा। पर हेड जो चिल्ड्रेन होता है ना, एक चिल्ड्रेन के लिए 15 लीटर के हिसाब से उनको पानी का व्यवस्था किया जाएगा। ओके, लास्ट पॉइंट बोल रहा है वो जो चाइल्ड्स होते हैं ना, वो चाइल्ड को ड्रिंकिंग वाटर का भी व्यवस्था किया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर का भी व्यवस्था किया जाएगा। पर चिल्ड्रन कितना, एक चिल्ड्रन को 2 लीटर के हिसाब से उनको पानी का व्यवस्था किया जाएगा, वो भी ठंडा पानी का व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो क्रेच रूम, तो मान लीजिए क्रेच रूम बन गया है, ठीक है, ये क्रेच रूम को कब तक तो खोला जाएगा, आपका माइंड में जितना शिफ्ट काम होगा उतना शिफ्ट को खोलना है,
ए बी सी अगर चल रहा है तो ए बी सी खोलना है, अगर ए और बी चले तो ए बी खोलना है, ठीक है। जब तक चलेगा आपको हर टाइम उसको खोला रखना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जो मेडिकल अरेंजमेंट, ठीक है, मेडिकल अरेंजमेंट। मेडिकल अरेंजमेंट्स में पॉइंट्स क्या बोल रहा है, जो 6 वर्ष से जो चाइल्ड होता है ना, कम चाइल्ड होते हैं, वो लोगों का क्या कह रहा है, हर महीने, ठीक है, प्रत्येक 1 मंथ में या हर महीने उनको क्या किया जाएगा, उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, ठीक है, मेडिकल चेकअप किया जाएगा। ये जो मेडिकल चेकअप किया गया है ना, इसको कौन सा फॉर्म में उसको रखा जाएगा, फॉर्म ए में रखा जाएगा, ठीक है, फॉर्म ए में इसको रखा जाएगा। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है जो नर्सिंग मदर होते हैं, ठीक है, नर्सिंग मदर होते हैं, उनका मेडिकल चेकअप जो है 2 मंथ्स के भीतर, यानी 2 मंथ्स में एक बार होना चाहिए, ठीक है, 2 मंथ में एक बार उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, ठीक है। नर्सिंग मदर मतलब जो कि दूध पिलाते हैं जो बच्चे लोग को, ठीक है, उन्हीं को नर्सिंग मदर कहा जाता है, ठीक है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर उनको भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, प्रोविजन ऑफ स्टाफ, ठीक है, जो कि प्रोविजन ऑफ स्टाफ जो कि जो क्रेच रूम होता है, ठीक है, प्रोविजन ऑफ स्टाफ, ठीक है, प्रोविजन ऑफ स्टाफ ये बोल रहा है कि इसमें एक पॉइंट बोल रहा है जो कि क्रेच रूम है ना, कितने स्टाफ रहेंगे उसमें, इंचार्ज कौन रहेगा, क्या रहेगा, ये सब जो है वो शेड्यूल शेड्यूल 4 के अंतर्गत में आता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे जो शेड्यूल 4 में मेंशन किया गया है कि कितना स्टाफ रहेंगे, कौन कौन रहता है, उसी के ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले इसके लिए एक तो हम बना देते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने में आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। डी, ओके, चार, ठीक है। अभी ये टेबल किसका टेबल बनाया जा रहा है, ये टेबल बनाया जा रहा है जो स्टाफ कितने रहते हैं उसी के ऊपर, ठीक है, कि जो क्रेच रूम रहता है उसमें स्टाफ कितने, कौन कौन रहेगा, डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन, ठीक है। इसके बाद ए टाइप क्रेच रूम, बी टाइप क्रेच रूम, ये हो गया, सी टाइप क्रेच रूम, ये हो गया, डी टाइप क्रेच रूम, ठीक है। पहले नंबर 1 में आता है जो क्रेच इंचार्ज, क्रेच इंचार्ज, क्रेच इंचार्ज, क्रेच इंचार्ज कौन है, क्रेच इंचार्ज को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको टेबल को पूरा कर देते हैं। क्रेच इंचार्ज कहाँ पे कितना रहेगा, ए टाइप में एक रहेगा, बी टाइप में एक रहेगा, सी टाइप में एक रहेगा, डी टाइप में भी एक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आया, आया, ठीक है, आया जो ए टाइप में एक रहेंगे, लेकिन वो क्या रहेंगे, आया के साथ वो कुक भी रहेंगे, ठीक है। इसमें बी टाइप में भी क्या है, आया के साथ वो कुक का भी काम करेंगे, ठीक है, लेकिन सी टाइम में एक रहेंगे आया, डी टाइम भी एक रहेंगे, ओमेन कुक, ठीक है, ओमेन कुक जो है
ए टाइप में नहीं रहेंगे, बी टाइप में नहीं रहेंगे, सी टाइप में एक रहेंगे, डी टाइप में एक रहेंगे। ए और बी में क्यों नहीं रहेंगे? ए में जो है आया रहता है वो कुक का काम करेंगे, ठीक है। बी में भी जो आया रहता है वो कुक का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्वीपर। जो स्वीपर होते हैं ए टाइम में कितना रहेंगे? वन रहेगा, वो भी पार्ट टाइम, ठीक है। बी टाइम में वन रहेंगे, सी टाइप में वन रहेंगे, डी टाइप में वन रहेंगे। ये जो है पूरा टेबल बन गया। जो क्रेज होता है, क्रेज रूम में कौन सा टाइप में कितने पर्सन रहेंगे, उसी का अभी हम डिस्कस करेंगे। ये कर चुके हैं। क्रेज इंचार्ज सब में एक एक रहेगा, ए में एक, बी में एक, सी में एक, डी में एक। आया कहाँ कितना रहेगा? जो ए और बी में आया कम कुक रहेगा, और सी में एक, डी में एक आया रहेंगे। वोमेन कुक जो रहेंगे ए बी को छोड़ के सी और डी में रहेंगे। स्वीपर जो कितना रहेंगे? हर में एक एक रहेंगे, लेकिन ए में जो रहेगा एक रहेगा, वो पार्ट टाइम रहेगा, ठीक है। अभी आते हैं जो कि क्रेच इंचार्ज जो होते हैं ना, क्रेच इंचार्ज, क्रेच इंचार्ज, ठीक है। इनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ये जो क्रेज इंचार्ज कौन रहता है, जो कि ओमेन, क्रेज नर्सिंग, नर्सिंग और ट्रेनिंग लिए होंगे, ठीक है। जो ओमेन क्रेज नर्सिंग का ट्रेनिंग वो लिए होंगे, कहाँ से लिए होंगे? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अप्रूव किए होंगे, ठीक है। अप्रूव किए कौन सा? कोई भी जो इंस्टीट्यूट को अप्रूव किए होंगे, ठीक है, वहीं से वो सर्टिफिकेट हासिल किए रहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है, अगर ये तो लागू कब हुआ? 1966, सॉरी 1966 को लागू हुआ। क्या लागू हुआ? क्रेज रूल लागू हुआ। लेकिन 1963 में जो ओमेन इंचार्ज जो ज्वाइन किए हुए हैं ना, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, ये वाला उनके ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है, वो पहले का है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है, कोई भी अगर क्रेज इंचार्ज क्या होता है, वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। कोई भी काम उसका अगर आता है, किसी भी कारण के वजह से वो अगर एब्सेंट रहते हैं, तो उनका क्षेत्र में उनका काम देखभाल करने के लिए ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे? उनके जगह में कोई कॉम्पिटेंट पर्सन को, ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन को उसका रेस्पॉन्सिबल, उनका दायित्व प्रोवाइड करेंगे, यानी देंगे, ठीक है। ये जो उनका जो दायित्व दिए है ना, उसका वैलिडिटी कितना दिन तक तो काम करेगा? 30 डेज तक तो काम करेगा। ये 30 डेज से अगर और बढ़ाना चाहेंगे, तब उस क्षेत्र में किससे परमिशन लिया जाएगा? कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से परमिशन लिया जाएगा। ओके, अभी आते हैं लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या होता है? जो कि बच्चे रहते हैं, वो बच्चे को क्या खाने के लिए आपको देना है, ठीक है। बच्चे लोगों को क्या खाने के लिए आपको देना है, ठीक है। पहला, जो 6 महीने से लेकर के 6 मंथ का बच्चा रहते हैं, 6 वीक से लेकर के 6 मंथ का बच्चा को आपको क्या खाने के लिए देना है? कितना टाइम देना है? 3 टाइम देना है। पहला टाइम कितना बजे? 9 बजे। नेक्स्ट टाइम कितना बजे? 12 बजे। तीसरा टाइम कितना बजे? 3:30 बजे, ठीक है, 3:30 बजे ये गाना है ना, ठीक है। तो 9 बजे उनको क्या दिया जाएगा? 0.25 लीटर क्या दिया जाएगा? मिल्क दिया जाएगा। सेकंड में भी क्या दिया जाएगा? वही सेम 0.25 लीटर मिल्क दिया जाएगा, ठीक है। 3:30 बजे क्या दिया जाएगा? वही 0.25 लीटर मिल्क ही उनको
दिया जाएगा। कौन सा बच्चे को? 6 वीक से लेकर के 6 मंथ का बच्चा को ये दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर का चाइल्ड को, ठीक है, 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर चाइल्ड को आपको क्या खाना देना है? उसको भी 3 टाइम देना है। 9 AM में क्या देना है, 12 बजे क्या देना है आपको, 3:30 बजे आपको क्या देना है, ठीक है, 9 बजे जो है उनको क्या देना है, 0.25 लीटर मिल्क के देना है, ठीक है। और कुछ भी उनको जो नाश्ता टाइप का, जैसे जैसे जो कि लिक्विड टाइप का हो रहेगा नाश्ता के लिए, वो सब आपको देना है, ठीक है। 12 बजे बोल रहे हैं, 0.25 लीटर मिल्क और सूजी, ठीक है। 3:30 बजे बोल रहा है, 0.50 लीटर मिल्क देना है, ठीक है। ये किसको देना है? 6 महीने से लेकर के 1 ईयर का बच्चा को ये आपको देना होगा। नेक्स्ट आते हैं 1 ईयर से लेकर के 2.5 वर्ष का बच्चा तक, ठीक है, 1 ईयर से लेकर के 2.5 ईयर का चाइल्ड को आपको क्या खाने के लिए देना होगा? उसको भी वही 3 टाइम देना है, 9 बजे, 12 बजे, फिर 3:30 बजे, ठीक है। 9 बजे उनको क्या देना है, 0.25 लीटर मिल्क, और क्या देना है, सूजी, ठीक है, और क्या देना है, जो कि यह मूरी, जो कि मूरी टाइप का जो दिया जाता है, ठीक है, जो पोफर्ड राइस बोला जाता है, ठीक है। 12 बजे क्या दिया जाएगा उनको? चावल दिया जाएगा, राइस, ठीक है, और वेजिटेबल का सब्जी उनको दिया जाएगा। 3:30 बजे क्या दिया जाएगा? 0.25 लीटर मिल्क और 1 चपाती, जो कि रोटी होता है, ठीक है, रोटी, खीर और गुड़, ये सब उनको 3:30 बजे दिया जाएगा। ये 1 वर्ष से 2.5 वर्ष को। अभी लास्ट है जो 2.5 वर्ष से लेकर के 6 ईयर का बच्चा जो होते हैं उनको क्या दिया जाएगा, ठीक है, 9 बजे क्या दिया जाएगा, फिर 12 बजे क्या दिया जाएगा, फिर 3:30 बजे क्या दिया जाएगा? 9 बजे उनको दिया जाएगा 0.25 लीटर मिल्क, ठीक है, वही उसको जो पोफड़ होता है कि जो नरम टाइप का कोई भी उनको देना है, और क्या है, जो खीर विथ गुड़, वो भी आपको गुड़ जो आपको देना है। 12 बजे बोल रहा है 60 ग्राम का आपको राइस देना है, और क्या देना है, वेजिटेबल का सब्जी देना है और मीट देना है, ठीक है, चिकन हो मटन हो जो भी है उनको देना है। 3:30 बजे क्या देना है, 0.25 लीटर मिल्क विथ जो रोटी या चपाती बोला जाता है, ठीक है, ये सब उनको देना। एक कितना का बच्चे को? 2.5 वर्ष से लेकर 6 ईयर बच्चे को ये सब देना चाहिए, ओके। ये जो क्रेच
रूल 1966 ये कंप्लीट। ओके, इसमें अगर कुछ कंफ्यूज आएगा फिर आप हमें बोल सकते हैं। तो आज के क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद।